सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके कारण आजम खान को फिलहाल राहत नहीं मिली है। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत में कहा था कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है। नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को NOC दिलाने का है। आजम खान की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार का पक्ष रखे वकील ने कहा, इस मामले के गवाहों को आजम खान बार बार धमका रहे हैं। वे अब तक करीब 10 गवाहों को धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी गई तो वो पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। वह आए दिन कहते रहते हैं कि सरकार बनते ही इसका बदला लेंगे। वहीं आजम के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह धमकी नहीं है, नेता तो ऐसा रोज करते हैं। वहीं आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आजम खान 2 साल से जेल में है, उन्हें अब जमानत दे देनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आजम खान की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान आजम खान पर हुए हालिया FIR पर कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साल 2020 में इस मामले में FIR दर्ज हुई थी और साल 2022 में आजम खान का नाम जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।